भारत एक नई ऊंचाई पे अभी पहुंच चुका है। शायद किसी देश की भाग्य में यह अवसर आए, सफल चंद्रयान एक्सपेरिमेंट के बाद एक फोर्टनाइट के अंदर सूर्य समझ अभियान भी आदित्य L1 का भी सफल एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है। जब भारत G20 की अध्यक्षता की अंतिम स्थिति में पहुंची है, आज इसी सप्ताह की मंडे है, इसी सप्ताह में भारत अपनी G20 की नेतृत्व की नई परिभाषा स्थापित करेगी। मैं एक नाम लेना भूल गया, मेरे मित्र सुब्रकांत पंडा जी भी हैं, फिक्की के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मित्रों, इस G20 की प्लेटफॉर्म के समय में, डायलॉग के समय में, विभिन्न अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने एक दायित्व लिया है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। इंडिया विल बी द ब्रिज बिटवीन वेस्टर्न ब्लॉक एंड ग्लोबल साउथ, और मैं आज के MOU को उसके साथ जोड़ के देखता हूं, ब्रिज कैसे बनेगा, अफ्रीका में ब्रिज कैसे बनेगा, ऐसा तो नहीं फिजिकल ब्रिज बन जाएगा। हम यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक कॉन्क्रीट ब्रिज तो नहीं बनाने वाले हैं। ब्रिज बनेगा नॉलेज के ऊपर, ब्रिज बनेगा आइडियाज के ऊपर, ब्रिज बनेगा इनोवेशन के ऊपर, ब्रिज बनेगा न्यू बिजनेस प्लान के ऊपर, और उस ब्रिज की MOU आज हमने तैयार किया है। इस पर CBSE और AICT, इन तीन हमारे जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है हमारे देश की नॉलेज इकोसिस्टम पे, निष्बर बॉटम ऑफ द पिरामिड की माइक्रो एंड टाइनी एंटरप्रेन्योरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़े, ये भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है। मैं सबसे बहुत प्रसन्न हूं कि जो तीनों MOU हुई है, अगर सही मायने में गेम चेंजर कोई होगा तो स्मॉल टाइनी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन आज मेटा के साथ निष्भर की हो रही है, ये आने वाले दिनों में देश में एक नया पथ प्रदर्शक होगा, नया बेंचमार्क खड़ा करेगा। जिसके बारे में मेरे मित्र राजीव जी ने उल्लेख किया, कोरोना के समय की एक्सपीरियंस की बात का मैं अगर उसकी कई उदाहरण मैं आपके सामने उल्लेख करूंगा कि छोटे बिजनेस कैसे बढ़े। आपने अगर इसकी आपकी आसपास की पड़ोस को इसकी थोड़ा क्या कैसे हुआ उसकी आप थोड़ा अनुध्यान करेंगे, जिसमें AR, VR, AI ये सारे की एडवांस यूज, और सबसे इसीलिए आज दुनिया में इंडिया स्टैक को बढ़ाते हुए भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, अभी भारत की कोई भी छोटे शहर में, छोटे बाजार में आप जाइए, लोग ट्रांजैक्शन UPI के माध्यम से कर रहे हैं। इसकी सबसे लाभ इसी महीने की मध्य तक विश्वकर्मा जयंती के अवसर पे, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे देश में एक नया स्कीम लॉन्च हो रहा है, विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा स्कीम की स्किलिंग की कैपेसिटी बिल्डिंग के दायित्व मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को दिया गया है। उसकी पहले हम लोगों ने मेटा के साथ टाई-अप कर दिया। केवल विश्वकर्मा योजना नहीं,
एमएसएमई विभाग के द्वारा जितने इनिशिएटिव हो रहे हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा, लाइवलीहुड मिशन में जितने स्टेक होल्डर है, सभी को आने वाले दिनों में, जैसे पंडा जी की कंपनी को डिलॉयट बिग फोर मदद करते हैं, मेरा अपेक्षा है हमारी ये टाई अप, हमारा ये एमओयू देश की टाइनी और माइक्रो स्मॉल रेडी पटरी वालों की इस प्रकार की नॉलेज पार्टनर बनेगा, निजवर उसकी फैसिलिटेटर होगा। मैं इसमें बहुत बड़ा सपना और बहुत बड़ा स्कोप देख पा रहा हूं। आपको बधाई इस कार्यक्रम।